हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सिंक विद मी। आज का टॉपिक है कार का ईवैप सिस्टम कैसे काम करता है और पार्ट्स वाल्व कैसे ऑपरेट होता है। इसके ऊपर ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजा है मेरा एक व्यूअर मिस्टर विकास पाटिल जी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कार का ईवैप सिस्टम कैसे काम करता है। हम लोग हमेशा ये नोटिस करते हैं जब हम लोग कार का फ्यूल कैप खोलता है तब कुछ गैस बाहर आता है। ये गैस क्या होता है? ये गैस उसमें जो पेट्रोल और जो डीजल होता है वो हमेशा इवेपोरेट होता है और ये पेट्रोल टैंक का अंदर एक गैस फॉर्म करता है और उसमें प्रेशर टेम्परेचर के साथ साथ वो प्रेशर चेंज होता है। इसलिए कार में इस प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको कहता है इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम, शॉर्ट में इसको ईवैप सिस्टम कहा जाता है। तो आज हम इसी ईवैप सिस्टम को लिख के बात कर रहे हैं। देखिए, यह कार का ईवैप सिस्टम लोकेशन। ईवैप सिस्टम शुरू होता है फ्यूल कैप से। फ्यूल कैप से इनलेट लाइन जाता है फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक का लोकेशन नॉर्मली कार का सामने सीट का नीचे और पीछे सीट का नीचे होता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक में होता है फ्यूल पंप। यहाँ पे दो लाइन जा रहा है, एक है मेन फ्यूल डिलीवरी लाइन जो कि जा रहा है फ्यूल रेल में और दूसरा लाइन है ईवैप सिस्टम लाइन। ये ईवैप सिस्टम लाइन पहले कैनिस्टर चैम्बर में जाता है, कैनिस्टर चैम्बर से ये पार्ट्स वाल्व होके जाता है इनटेक मैनिफोल्ड में। यह है फ्यूल टैंक और इसमें है फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में फ्यूल पंप होता है। इसका ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुका है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ईवैप सिस्टम के बारे में। ईवैप सिस्टम में होता है फ्यूल टैंक, फ्यूल फिलिंग कैप, फ्यूल टैंक वेपर लिक्विड सेपरेटर वाल्व, ईवैप कैनिस्टर, वेंट वाल्व, ईवैप लाइन और होज एंड ईवैप कैनिस्टर पार्ज वाल्व। ये पार्ज वाल्व नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व होता है, मतलब इसमें जब वोल्टेज इस कॉइल में जब वोल्टेज नहीं आता है तब यह बंद होता है, मतलब कार अगर स्टॉप है तब ये वाल्व कभी खुलेगा नहीं। तो ये खुलेगा नहीं तब क्या होगा, ये टैंक में प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर, यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर है, उसमें एक सेट लेवल होता है। फ्यूल टैंक का प्रेशर जब सेट लेवल से ज़्यादा होता है तब ईवैप कैनिस्टर में एक टू वे वाल्व होता है। ये वाल्व नॉर्मली इधर से इधर खुला रहता है, लेकिन ये पार्ज वाल्व नॉर्मली क्लोज होने के वजह से ये प्रेशर इधर से इधर रिलीज नहीं हो पाता है। तब क्या होता है, ये ईवैप टू वे वाल्व, ये ईवैप यहाँ पे एक टू वे वाल्व होता है, इसी तरह वेंट का तरफ खुल जाता है। जब ये वेंट का तरफ खुल जाता है तब ये फ्यूल टैंक वेपर लिक्विड सेपरेटर यहाँ से वेपर और लिक्विड को सेपरेट करके फ्यूल वेपर को कैनिस्टर की तरफ भेज देता है। कैनिस्टर में होता है एक्टिवेटेड कार्बन। तो जब ये गैस इधर से वेंट की तरफ जाता है तब यहाँ पे ये फ्यूल वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी के गैस इधर से रिलीज कर देता है। इसी तरह ये फ्यूल टैंक का प्रेशर रिलीज कर लेता है। अभी देखिए, इंजन जब रन करता है ECM फ्यूल टैंक का प्रेशर मॉनिटर करता है, साथ साथ इंजन कूलेंट का भी टेम्परेचर मॉनिटर करता है। जब इंजन कूलेंट टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तब ECM पार्ज वाल्व को खोलने का कमांड देता है, मतलब एक 12 वोल्ट सप्लाई पार्ज वाल्व का कॉयल में भेज देता है। तो ये नॉर्मली क्लोज, इसलिए जब वोल्टेज इसमें आ जाता है तब ये वाल्व ओपन हो जाता है और इसका दूसरा एंड कनेक्टेड होता है इंटेक मैनिफोल्ड में। तो ये वाल्व जब खोल जाता है इंटेक मैनिफोल्ड में, नेगेटिव प्रेशर होने के वजह से तब क्या होता है, ये कैनिस्टर से जो फ्यूल वेपर है इसको खींच लेता है और इंजन में घुस जाता है। एट द सेम टाइम ECM क्या करता है, इसका जो मेन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसका ड्यूटी साइकिल को थोड़ा कम कर देता है। इसके बाद ऐसे उधर फ्लो फ्यूल फ्लो थोड़ा कम हो जाता है और इधर का जो फ्यूल वेपर है वो कंबशन में आ जाता है। तो यहाँ पे दो एडवांटेज हो गए। देखिए, उधर कम फ्यूल खर्चा होने के बाद ऐसे आपका एक्चुअल माइलेज जो है कार का थोड़ा बढ़ जाता है और इधर ये फ्यूल वेपर एनवायरनमेंट में आ नहीं पाता, इसलिए एनवायरनमेंट क्लीन रखता है।
अभी जब ईवैप कैनिस्टर में फ्यूल वेपर ख़त्म हो जाता तो इसे हम फिर से पर्ज वाल्व को बंद कर देते। तो इसी तरह ईवैप सिस्टम एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, बाहर फ्यूल वेपर को आने नहीं देता, साथ साथ कार का माइलेज को भी इम्प्रूव करता है। कोई कोई कार में ईवैप कैनिस्टर वेंट के साथ एक वेंट वाल्व होता है, ये नॉर्मली ओपन वाल्व होता है, नॉर्मली ये खुला रहता है, लेकिन जब ECM से वोल्टेज आता है तब ये बंद होता है। मतलब ये पर्ज वाल्व का ऑपोजिट लॉजिक में काम करता है, ये पर्ज वाल्व था नॉर्मली क्लोज्ड, ये नॉर्मली ओपन है। अभी देखिए ये वेंट वाल्व और पर्ज वाल्व कैसे ड्राइव होता है। देखिए इसका पर्ज वाल्व और वेंट वाल्व का एक एक टर्मिनल ये पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे देखिए पर्ज वाल्व का देख ये पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, वेंट वाल्व का इस टर्मिनल ये पॉजिटिव सप्लाई के साथ करें। दूसरा टर्मिनल जाता है जो ECM में, ECM का अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो वो ट्रांजिस्टर का थ्रू देखिए यहाँ पर ग्राउंड होता है। तो ECM जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है तब वेंट वाल्व ये नॉर्मली ओपन है तो क्लोज हो जाता है, और पर्ज वाल्व का जो ट्रांजिस्टर जब यहाँ पे ऑन कर देता है, देखिए यहाँ से 12 वोल्ट इधर से आके कॉइल में जा रहा था, उस कॉइल का दूसरा टर्मिनल इसी ट्रांजिस्टर के थ्रू ये ग्राउंड हो रहा है। अभी इस वेंट वाल्व का क्या ज़रूरत है? देखिए ये वेंट वाल्व जब बंद करता है तब ये पर्ज वाल्व को खोल देता है, खोल देने के बाद ECM इस EVAP सिस्टम का प्रेशर मॉनिटर करता है। उस टाइम में अगर नॉर्मल प्रेशर जो होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है और तब ये ECM को पता चल जाता है EVAP सिस्टम में कोई लीकेज है। तो ये लीकेज कोई बड़ा लीकेज है क्या, कोई छोटा लीकेज है, इस तरह का फॉल्ट कोड ये ECM जनरेट करता है, और ये फॉल्ट कोड ECM जनरेट करके उसमें स्टोर कर लेता है। जैसा कि P0440, P0441, P0442 ये सब फॉल्ट कोड EVAP सिस्टम रिलेटेड होता है। तो कौन सा कोड किस रिलेटेड है और क्या कौन सा कोई फॉल्ट कोड है क्या नहीं, इस तरह का प्रॉब्लम डायग्नोसिस करने के लिए कार में एक OBD2 पोर्ट होता है, और आप अगर उसमें OBD स्कैनर लगाएंगे तो आप ये कोड रीड कर सकते हैं, और रीड करके आप आपका कार का कौन सा प्रॉब्लम हो ये देख सकता है। तो इस OBD2 स्कैनर का ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कि यह है पर्ज वाल्व का लोकेशन, इसका यह है इनपुट जो आया है EVAP कैनिस्टर से, और इसका आउटपुट जा रहा है इनटेक मैनिफोल्ड में। तो जब यह पर्ज होता है तब ये वेफर इनटेक मैनिफोल्ड में रिलीज होता है। और इधर देखिए यह है इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई ज़रूरत होता है इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे उस 12 वोल्ट अप्लाइड होता है जो कि आता है ECM से। और ये है EVAP कैनिस्टर, EVAP कैनिस्टर के बगल में देखिए ये दो फ्यूल लाइन है, तो ये फ्यूल लाइन है मेन फ्यूल लाइन जो कि जा रहा है फ्यूल रेल में, और दूसरा लाइन ये है EVAP लाइन। तो EVAP लाइन ये फ्यूल टैंक से आके कनेक्ट होता है कैनिस्टर का 2A वाल्व में। तो ये है इसका इनपुट, इसका इस वाल्व का दो आउटपुट है, एक आउटपुट जा रहा है जो कि पर्ज लाइन इसके थ्रू जाके इधर से जाके इधर कनेक्ट होता है। अभी इसको थोड़ा और क्लोजली दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए यह है EVAP कैनिस्टर, इसका 2A वाल्व इधर होता है, इनपुट लाइन इधर है, और इसका दो आउटपुट होता है, एक आउटपुट इधर से जा रहा है पर्ज वाल्व की तरफ, और दूसरा आउटपुट है ये नीचे की तरफ, यह है वेंट, और इस कंटेनर का अंदर होता है एक्टिवेटेड कार्बन जो कि फ्यूल वेपर को एब्सॉर्ब करता है। अभी देखते हैं ये पर्ज वाल्व को कैसे चेक करता है। पहला काम करना है ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इसको खोलना है, इसको खोलने के बाद यहाँ पे दो टर्मिनल मिलेगा जिसका अक्रॉस में होता है इस पर्ज वाल्व का कॉइल।
अभी इसको उस कॉइल को कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, एक मल्टीमीटर को लेना है, उसको कंटिन्यूटी मोड में रखना है, उसके बाद इस कॉइल का कंटिन्यूटी देखना है। कंटिन्यूटी अगर है तो ये पर्स वाल्व सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो ये पर्स वाल्व खराब है। इसके बाद एक कनेक्टर जो खोल लिया उसका टर्मिनल में वोल्टेज चेक करना है, उसका पिन नंबर 1 में देखना है 12 वोल्ट है क्या नहीं, ये नहीं है तो ये फ्यूज बॉक्स से जहाँ से ये 12 वोल्ट आ रहा है वहाँ तक का केबलिंग चेक करना है। इसके बाद पिन नंबर 2 से ECM तक कनेक्शन सही है क्या नहीं ये। अभी इंजन ऑफ कंडीशन में इस होस को इस एंड से खोल दीजिए, खोलने के बाद यहाँ से ब्लो कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व है, तब यहाँ से ब्लो करने से ये हवा इधर से पास नहीं होगा, इसका मतलब ये ठीक है। अगर इस ऑफ कंडीशन में अगर हवा पास होता है तब ये वाल्व खराब। इसके बाद आपका पास अगर वैक्यूम गैस है, इस तरह का वैक्यूम गैस है, तब इस दो पाइप के बीच में ये वैक्यूम गैस को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद इंजन स्टार्ट कीजिए। इंजन स्टार्ट करके देखिए कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है क्या नहीं, जब कार थोड़ा गर्म होगा मतलब ये कूलेंट टेम्परेचर अबाउट 70 डिग्री आ जाएगा तो ये पर्ज वाल्व ओपन होगा, तब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। अगर वैक्यूम क्रिएट करता है तब ये EVAP सिस्टम ठीक है, अगर नहीं करता है तो ये खराब है। आपका पास अगर इस तरह का वैक्यूम गैस नहीं है तो पहले कार को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने के बाद दो हाथ से एक हाथ से इसको कवर कीजिए, इसको क्लोज रखिए, और दूसरे हाथ से ये इसको क्लोज रखिए। एवं थोड़ा देर कार रन करने के बाद जब कार गर्म हो जाएगा तब आप इस पाइप में वैक्यूम फील करेगा, यहाँ पे सक्शन पे सक्शन फील करेंगे। इनिशियली ये सक्शन नहीं होगा क्योंकि इनिशियली पर्स वाल्व बंद रहता है, तब ये सक्शन फील नहीं होगा। तो थोड़ा देर बाद जब गर्म होगा, जब पर्स वाल्व खोलेगा तब ये सक्शन फील करेंगे। तो ये सक्शन अगर फील करता है तो ये पर्स वाल्व सही है। इसी तरह आप आपका कार का EVAP सिस्टम चेक कर सकता है, एंड ज़रूरत होने पर आप इसको खुद रिपेयर भी कर सकता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक है, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। आपको अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कोई पॉजिटिव कमेंट, शेयर और लाइक से ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच जाता है, इसलिए आपका लाइक शेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हमको बहुत मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सपोर्टिंग मी।